वेलकम बैक टू माय चैनल। रात के बजे हुए 8 और मैंने अब वीडियो बनानी शुरू करी है। आज मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लॉकडाउन लग गया यार, वीडियो क्या बनानी है। दोबारा से लॉकडाउन लग गया 31 तक तो के तुम्हारी लिए। तो मौज आ गई ना। मेरी क्यों मौज आ गई? एक मौज भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि मुसीबत और एक मौज, दोनों में से कौन सा? मुसीबत तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकती है फ्यूचर के लिए मुसीबत हो जाएगी मेरे को, क्योंकि अब ये काम में इतनी हेल्प करा देते हैं मेरी, तो फ्यूचर में जाके ना फिर वो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो अभी भी हम दोनों किचन में ही हैं और ये मेरे से झगड़ा कर रहे हैं। आज मैंने इनसे एक डिमांड करी छोटी सी कि मुझे बना करके खिला दो। क्या बोला मैंने? देख लो कंगी होंगी, कुछ नहीं, सुबह से इसलिए वीडियो नहीं बनाई। देखो क्या मांगा मैंने, आम की चटनी बनाने के लिए कहा है। अब भैया मुझे तो बनाने को आती नहीं, जो बना बताओ मैं बना के खिला दूंगा। मैं कह रही तुम बना के खिलाओ, ये कच्ची मना कर रहा हूँ बना के। इसको देख के मेरा मन कर गया, अभी मैंने थोड़ी सी खा चुकी हूँ मैं ये। और इसमें मिर्ची कितनी डालनी है? आपको तीखी लगती है ना फिर? हाँ। तो तीखी डाल दो मैं मिर्ची का। ये किस लिए? ये है दाल के लिए। तो हाँ, तो मुझे इसकी जो चटनी खानी है मैं अभी बताती हूँ, यहाँ दो मिनट रुको। मैं ना अभी करेले बना रही हूँ यहाँ पे। ये करेले यहाँ पे मेरे फ्राई हो चुके हैं और साथ में यहाँ पे जो है प्याज फ्राई हो चुकी है। तो ये मुझे अभी इसे कढ़ाई से निकालना है। अरे ये वाले करेले ना, इस तरीके के करेले पता है मैं तीसरी बार बना रही हूँ। इनको बहुत पसंद आए हैं दोनों को ना, तो ये हमेशा करेले लेके आता आधा घंटा तो काटने में लगाता हूँ मैं। ये वाले करेले बनाओ। अच्छा बन भी किस वजह से रहे हैं जल्दी, क्योंकि काट देते हैं अच्छे से ना। अब अकेले तो गौरी के साथ में ना, क्योंकि तनु भी बिजी हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है यार मैनेज करना ना। हाँ जी, तो प्याज मैं निकाल चुकी हूँ उसमें से। तो करेले बन रहे हैं जो कि इन्होंने काटे हैं, प्याज भी इन्होंने काटी थी और टमाटर पीसे हैं अभी। मैं किचन का काम संभाल रही हूँ, ऊपर का काम जो है ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी टमाटर फ्राई हो रहे हैं जो कि करेले में डालेंगे, और साथ में बन रही है दाल। दाल खोल दो, और हाँ खोल के देखो उसको, तेल गरम हो रहा है उसका भी। हाँ, तो मैंने क्या बोला था, मुझे इसके साथ में हरी मिर्ची की चटनी चाहिए, मतलब ये आंबी और हरी मिर्ची और सिंपल सा नमक, थोड़ा सा धनिया आप डाल सकते हो, धनिया वो भी सूखा हुआ जो हम लोग मसाले वाला सब्जी वाला यूज करते हैं वो। बड़ी कलसी लेती है, छोटी कलसी लेते हो तुम? पता नहीं ये कलछी में दिक्कत है। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताना ये कलछी है कि चमचा है, हमारे इस पे बैठा जो भी है। नहीं आप इसको कलछी बोलते, ये कलछी है भाई, ये कलछी है, चमचा वो है। अच्छा देखो हमारी मम्मी, देखो जरा यहाँ से समझो, देखो देखो इसको, ऐसी शेप चम्मच और ऐसी शेप चम्मच, ये कलछी है ये देखो कलछी। आप चमचा बोल लेते हैं? हाँ ये तो चमचा हो गया ना, ये छोटी चम्मच, वो बड़ी चम्मच, बड़ी चमची जो चम्मच हमारी मम्मी उसको बोलते थे चमचा। तो अब यार आप लोग क्या बोलते हो वो बताना। चल गया ये, हाथ बिल्कुल लगा के रखते हो आप, पता नहीं कहाँ तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं लगता तुम्हारे को। मुझे यही सुनना बात, ये डंठल जैसे आपने भी मैंने सीखा। मिर्ची का काम मैं बहुत कम करती हूँ यार। तो इसमें मसाले डालने हैं, देखो ये ग्रेवी हो चुकी है यहाँ पर, इसमें मैं डाल देती हूँ नमक। क्या वो सरदार जी बोलते हैं ना, स्वाद अनुसार। और इसमें डालेंगे हम मिर्ची, इसमें हरी मिर्ची कम डालेंगे, कम डालना बस, डाल दे ज्यादा खाए जाएंगे मिर्ची थोड़ी ज्यादा डाल दो तो खाए जाएंगे। धनिया निकालो ऊपर से, डाला करो यार। हाँ तो डालूंगी ना, धनिया निकालो, काली मिर्च डाला करो, काली मिर्च। हाँ जी डालूंगी, धनिया निकाल दो, काफी निकाल दो वहाँ से। अरे किचन का प्लेटफॉर्म जब खाना बनाते तो इस तरीके से डालते हैं, सुबह बने थे आलू के पराठे, बड़े भैया आ गए थे तो उन्होंने भी खाए थे। और आपको आटा भी रखा हुआ है, धनिया धनिया इसमें होगा देखो, धनिया भी देखो, दीदी का डब्बा, दीदी के यहाँ जाते हैं ना दीदी, मसाले पिसवा पिसवा करके दे देती है, उनके डब्बे भी आते रहते हैं मेरे पास में। हाँ थोड़ा बस, कोई बात नहीं, तल नहीं कोई बात नहीं, इसमें तो रखो, कर लो ना, मैं काम कर रहा हूँ ना, ये काम मैं करती हूँ, आप वो चटनी की तैयारी करो, मतलब चटनी। अब हटो, मैं दाल उधर में दाल में तड़का लगा दूँ। ये दाल का तड़का है? ये दाल का तड़का नहीं है, ये करेले का है।
दाल का उधर होगा, ड्राई फ्रूट पे लगा दो। नहीं बात कर रहे हो ना, तो सुनो भाई ये देखो मसाला भुना नहीं है, तेल नहीं छोड़ा मसाले में, उसमें तेल था ही नहीं ना, उसमें तेल नहीं था। अच्छा, उसमें दो चार बूंदी तेल था जिसमें मैंने टमाटर फ्राई करे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी तेल में तले हुए हैं। अच्छा, तो इनमें तेल आ जाएगा अभी। ठीक है, तो ये उसमें डाल दो। अब आप डाल दूं? ये मेरी आदत बिगड़ रही है पता है, काम ना करने की, और फिर भी ये बोलते हैं यार तू कितना काम करती है सारे दिन, तू कैसे चले गए हैं। अभी तो मैं घर पे हूँ तो हेल्प कर रहा हूँ, मैं घर पे नहीं रहूंगा तो फिर तुम तो हमारी कलम पे लग जाएगी। बस जल जाएगा मसाला, इसको धीमे गैस पे और पक ले दो। एक मिनट रुक जाओ, हटाओ ये नहीं करनी। क्यों? चलो कर दो। ठीक है, अब लगाते हैं हम लोग दाल में तड़का और बनाएंगे आंबे की चटनी। और गौरी अपनी गौरी और नोनी तनु सब एक साथ हैं, तनु की तबीयत वहां ठीक नहीं। ए तनु गई। हाँ देखो करेला बनकर के रेडी है एंड दाल इधर बनी रही है और चटनी ये बनी, स्पेशल चटनी बनी। बड़ा मजा आएगा इसे खाने में, चटनी है क्योंकि खाली आम भी और मिर्ची है, ये नहीं खाएंगे क्योंकि ये तीखी है। हाँ, और तुम भी थोड़ा ध्यान से खाना, क्योंकि गोरी है गौरी है, ध्यान रखना। अब पानी इसमें डाल दो। ये तो ये ना मैं इसमें आंबे डालना था, आंबे डालना भूल गई, तो ये जो जिसने चटनी बनाई थी ना उसी को धो करके रख दिया है। तो आज खाने में हमारे डिनर में लेट नाइट रूटीन में हम लोग डिनर में आज करेला दाल चटनी और ये प्याज काट के रख दिया, इसमें अभी नींबू लगाना है, रोटी और गुड़। गुड़ तो कहते हैं गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक थोड़ा बहुत जरूर खाना चाहिए डेली, तो वो हम लोग करते हैं। बन चुका है, वैसे बंद कर दो और ना अब मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा है अपनी आंबे की चटनी को देख करके। अब मन कर रहा है कि मैं उस जल्दी से रोटी बनाऊं और जल्दी से खा लूं। हाँ अभी तो रोटी बनानी है यार। तो आपने क्या सोचा, काम खत्म है? बाहर किचन के काम ना कभी खत्म नहीं होते, कितने भी कर लो है ना, लगा ही रहता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो अब जल्दी से रोटी बनाएंगे और फिर खाएंगे, और अब जो आंबे की चटनी है ना बना करके देखना बहुत अच्छी होती है, जिसको खट्टा ज्यादा पसंद है वो। और क्या बोल रही थी, ये ना सिलवट्टे की पिसी भी बहुत अच्छी लगती है, सिलवट्टे में बनाऊ मजा आ जाता है। किचन का प्लेटफॉर्म देखो कितना गंदा हो जाता है एकदम, क्योंकि बहुत सारे टमाटर कटे, बहुत सारे प्याज कटी। और पूजा मैंने कर ली है शाम के टाइम की, लेकिन आज मैंने नींबू डाला है, नींबू ना मिर्ची में डालना था, इसमें नींबू डाल दो। दाल बन चुकी है, इसको बंद कर दो, धनिया डालना बाकी। करेले भी उधार देती हूँ और रोटियां बनाते हैं। ये देखो भाई प्लेट लग के तैयार हो चुकी है, करेला दाल चटनी प्याज, प्याज इसलिए मिक्स कर दिए क्योंकि खट्टी खट्टी उसमें अच्छी लगेगी, और रोटी और येलो रोटी एक और। वाओ, गरम फुली फुली रोटी, छोटी छोटी सी रोटी बनाती हूँ मैं, पतली बनती है बिल्कुल, मतलब तुम्हारी दो ही बाइट होंगी इसमें, तीन नहीं चार, चार बाइट होंगी और चम्मच। और ये प्लेट अभी हमने सिर्फ तन्नु की लगाई है क्योंकि तन्नू बारी के साथ बैठी हुई है, वो खा लेगी और उसके बाद में हम लोग खाएंगे है ना। तो प्लेट और अभी रोटियां बनेंगी, इधर देखो मैं बनाई लेकू, इतने छोटे छोटे सी लोई की बनाती हूँ, पहले वो मोटी मोटी बनाती थी, अब मम्मी भाभी भी बोलने लग गई है कि तुझे हो क्या गया है, इतनी पतली पतली सी रोटी बनाती है। पतली रोटी छोटी रोटी ना अच्छी होती है, अच्छी बनती है। और जो गुल्लू की मम्मी बनाती है, मेरी फ्रेंड बनाती है ना, वो तो और भी ज्यादा पतली बनाती है, वो तो बिल्कुल पत्ते जैसी ही बनाती है, लेकिन ये रोटियां ना टेस्टी लगती है, अगर कोई गरम गरम खिलाए ना तो मजा आ जाता है, और इनको पतली पतली रोटी पसंद है
हमेशा बोलते हैं कि मेरे लिए पतली ही बनाओ, मोटी मत बनाया करो। तो चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर। हाँ भाई, टाइम देख लो भाई क्या हो रहा है, 2:15। और ये दोपहर के 2:15 नहीं हो रहे, रात के 2:15 हो रहे हैं, ठीक है ना। कहीं कोई ये समझे कि दोपहर की वीडियो है, रात के 2:15 हो रहे हैं। और ये देखो, ये दो दो काम वाली आ गई है यहाँ पे, सामान बेचने वाली, और गौरी उनको क्लास लगा रही है सब की दोनों। ओए गौरव, नहीं बेटा तो ये क्यों रख रहे हो ऊपर, क्यों रख रहे हो ऊपर, क्यों रख रहे हो ऊपर? पुलिस वाले घर में रहो, समझे तुम? खबरदार। आए, चलो गाड़ी की शक्ल लगाता हूँ। गौरा आए, हाय गौरा, गौरा आए, डिंचिक डिंचिक गौरा। गौरी दीदी मुझसे तारा जीत जाएगी। 1, 2, 3। नहीं भाई, मेरे भाई क्यों रख रहे हो सर पे, जब वो मार रही है सर पे तो क्यों रख रहे हो? नोनी, हाँ क्या हुआ बेटा आपको? देखो भाई, थोड़ा सा जो फैला पड़ा है ना हमारे घर में, तो क्या फैला ही पड़ा है। नोनी नोनी आज नोनी के पापा ने इसे सुबह सुबह पकड़ लिया इसका मुंडन। ये देखो आज क्या हाल हो गया इसका, नोनी का सुबह सुबह कटिंग कर दिया आज इसकी, तो सारे बाल बाल सब आज वैसे खूब मस्त है, खूब हल्का फुल्का महसूस कर रही है, खूब मस्ती कर रही है, एंजॉय कर रही है। और नानी के बिस्तर जो है वो बाहर सोते हो? मिलेगी क्या? दिखाओ मुझे, मैं